तो क्या ये मर्डर था? और सच्चाई तो सिर्फ उन लोगों को ही पता है। आत्मा ने उसके ताऊ जी को मारा। आज भी पड़ोसियों को नताशा की एंटिटी दिखती है। कहते हैं कि उस घर में अभी भी नेगेटिविटी है, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें आती हैं। और नताशा का बदला तभी पूरा होगा जब वो अपने भाई को मारेगी। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, मैं हूँ आरती विश्वकर्मा और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत ही बहुत स्वागत है। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है वो भेजी है रिया ने, जो कि है छत्तीसगढ़ से, और ये छत्तीसगढ़ की ही स्टोरी है, उसमें कोई सा जिला है वहाँ से है। रिया है ना, उनकी रिलेटिव्स की स्टोरी है जो उन्होंने बताई है। सो एक नताशा करके एक लड़की रहती है जो कि बहुत ही जॉली टाइप की रहती है और बहुत सबसे घुल मिल के रहती है, सबसे अच्छे से बात करती है, बहुत खुश मिजाज चुलबुली सी लड़की है। तो उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली होती है और बहुत ही अच्छी खासी रेप्यूटेटेड फैमिली है और उनका बिज़नेस भी अच्छा खासा चलता है। कोल का बिज़नेस था उनका और बहुत ही ज़्यादा पैसे भी थे और रेप्यूटेशन भी अच्छी खासी थी। तो क्या होता है कि उस फैमिली में जो मतलब नताशा है, उसके एक बड़े पापा रहते हैं, बड़ी मम्मी रहती है, उनकी बेटी रहती है और उसकी मम्मी रहती है, उसके पापा रहते हैं, उसका एक छोटा भाई रहता है और दादाजी रहते हैं। तो ये पूरी उनकी फैमिली हो गई, ठीक है। तो एक दिन उसका बर्थडे आता है तो उसके पापा ने उसको फर्स्ट आईफोन गिफ्ट किया रहता है, क्योंकि वो 12th पास हो जाती है और वो कॉलेज में चली जाती है, तो उसको एक आईफोन गिफ्ट करते हैं उसके पापा। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, ठीक है, क्योंकि उसका पहला फ़ोन था तो वो हमेशा उसको लेके घूमती थी, आईफोन था बेसिकली पहला, तो वो फ़ोन लेके घूमती थी और किसी को ज़्यादा टच नहीं करने देती थी, यूज़ नहीं करने देती थी, वो सिर्फ यूज़ करती थी। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी ना, वो बिल्कुल उससे अपोजिट होने लगी थी, कि वो दूसरों से बात करना कम कर दी थी और जैसे पहले सबसे बात करती थी, हंसती खुलती थी, लेकिन वो अब फ़ोन पर लगी रहती थी। तो उसके पापा को कुछ अजीब सा लगा कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी उसको फ़ोन दे के। फिर उसके बाद एक दिन उसको कॉलेज ट्रिप पे जाना था, तो वो नताशा आई अपने पापा से परमिशन मांगने के लिए। तो उसको पहले लगा था कि उसके पापा मना कर देंगे, बट कॉलेज ट्रिप थी, उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे थे और टीचर्स भी थे, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। तो फिर वो ट्रिप में गई। ट्रिप में आने के बाद कुछ दिनों तक नताशा का बिहेवियर ठीक था, बट उसके बाद वो बिल्कुल टोटल से डिसकनेक्ट हो गई अपनी फैमिली से। और जैसे कि सब अगर डिनर टाइम हो गया तो सब लोग साथ में खाना खाते थे, तो वो बाद में खाना खाती थी या फिर पहले खाना खा लेती थी। ना वो किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही थी, ना बातचीत करती थी। तो उसके बाद उसके बड़े पापा और उसके दादाजी को कुछ बात खटकी, तो उन्होंने उसके पापा को बोला कि हो सकता है कि तुमने इसको फ़ोन चलाने के लिए दे दिया है, या तुमने उसको ज़्यादा छूट दे दी है, और ऐसा वैसा फलाने ढिमकाना बोला। तो फिर उसके पापा को लगा कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हुआ है। फिर उसने मतलब उसके पापा ने नताशा के पापा ने नताशा को समझाया कि बेटा तुम ऐसे ही कैसे हो गई हो, फ़ोन ज़्यादा मत चला करो, ऐसा वैसा। तो वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करने लगी थी। तो उसके पापा को और उसके दादाजी को अच्छा नहीं लगा ये चीज़, लेकिन उसके बड़े पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के थे, तो उन्होंने उसके पापा को बोला कि तुम इसका फ़ोन छीन लो। तो उसके पापा छोटे थे तो उन्होंने वो ऐसे ही किया। जैसे ही उसका फ़ोन छीन लिया गया उससे, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव सी हो गई, वो चिड़चिड़ाने लगी अपने छोटे भाई को और अपने मम्मी लोगों को, या कोई भी उससे कुछ बात करना चाहता था तो वो सीधे मुँह बात नहीं करती थी। ऐसा चलता रहा, फिर 2 दिन तक चलता रहा। अब तीसरे दिन जब उसके पापा उठे सुबह सुबह, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो उसकी पापा ने उसकी मम्मी को बोला कि जाओ तुम नताशा को उठा के लाओ, अभी तक आई नहीं है। तो उसकी मम्मी ने नताशा का रूम में नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो चिल्लाती गई, नताशा नताशा नताशा, तो वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। तो उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गई और घबराहट के मारे दौड़ के उसने अपने हस्बैंड को बताया, मतलब नताशा के पापा को बताया कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो उसके बाद सब लोग क्योंकि डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तो सब दौड़ के गए और फिर उसके बाद सबने आवाज़ लगाई उसको, नताशा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उसके ताऊ जी ने बोला, बड़े पापा मतलब, कि आप गेट तोड़ दो करके। तो उन्होंने जैसे तैसे अंदर गए, उसके बाद उन्होंने देखा कि बेड में कोई नहीं है, तो वो देख के उन लोग बहुत घबरा गए। उसके बाद वो बाथरूम में देखे तो बाथरूम का भी दरवाज़ा बंद था अंदर से, तो वो समझ गए थे कि नताशा इसी के अंदर होगी। लेकिन उनको घबराहट हो रही थी कि कुछ हो तो नहीं गया होगा उसको, कि क्या हुआ होगा। तो उन्होंने फिर नॉक किया, फिर उसको
उनको आवाज़ लगाई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो फिर जैसे तैसे उन्होंने गेट तोड़ा और जैसे अंदर गए, वैसे देख के उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी। उन्होंने जो देखा वो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। नताशा की डेड बॉडी लटकी हुई थी शावर से, उसने अपने ही दुपट्टे से सुसाइड कर लिया था शावर में लटक के। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गया था उनकी फैमिली के लिए। नताशा की बॉडी को हटाया गया और पोस्टमार्टम में भी यही आया कि उसने सुसाइड ही किया था। अब ये क्यों किया था, क्या वो फ़ोन से एडिक्टेड हो गई थी या फिर कुछ उसके साथ ट्रिप में ऐसा हुआ था जिससे कि वो बहुत ही परेशान थी, या फिर उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। सच तो कुछ और ही था जो कि सब छुपा रहे थे उनसे। पूरी फैमिली इस गम में डूबी हुई थी। उसी दौरान पे जो मैंने बताया था कि उसके बड़े पापा की जो बेटी थी, तो नताशा उनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करती थी। वो एक बेस्ट फ्रेंड टाइप के थे, तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी वो दीदी उससे, तो उनको हर चीज़ पता थी। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि एकदम से ऐसे क्या हो गया जो ऐसे ये छोड़ के चली गई मुझे। तो जो नताशा का फ़ोन था वो दीदी चलाने लगी। ठीक है, कुछ दिन उनके पास फ़ोन रहा और जो नताशा की बहन थी जो बड़ी दीदी थी वो भी उसी की तरह बिहेव करने लगी जैसे वो कर रही थी कुछ दिनों से। ना किसी से बात नहीं करती, वो बेफिजूल में चिल्ला रही थी और जैसा जैसा वो बोलती थी वैसे वैसे वो मतलब ऐसे बोलने लगी। तो उनको लगने लगा कि अरे एकदम से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा याद आ गई हो या बहुत सदमा हो गया होगा। फिर कुछ दिनों तक उसकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी। वो फ़ोन को छोड़ ही नहीं रही थी, अपने मतलब पास ही रख रही थी और किसी को अपने पास भी आने नहीं दे रही थी। तो सबको बहुत अजीब लगा। तो उसके बड़े पापा जो थे उनने बोला अपनी वाइफ से कि तुम एक काम करो कि इसको ले जाओ अपनी नानी के घर में, कुछ दिनों तक इसका मूड सही रहेगा तो वो ठीक हो जाएगी। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी तो उसको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में बहुत दुख लगा होगा, इसलिए थोड़ा सा उसका दिमाग हल्का होगा, तो आप ले जाओ। तो वो नानी के घर चली गई, उसकी बड़ी मम्मी और उसकी बहन। ठीक है, अब जैसे जिस दिन उसकी मम्मी लोग नानी के घर गई है उसी दूसरे दिन उसके बड़े पापा की एकदम से हार्ट अटैक में डेथ हो गई। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि दो दिन में दो लोगों की डेथ पॉसिबल नहीं थी। वो भी एकदम से ऐसे कैसे हो सकता था, क्योंकि उसके जो बड़े पापा थे वो बहुत ज़्यादा फिट थे। फिर इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा उनकी फैमिली वो परेशान हो गई कि एकदम से ऐसा क्या हो गया, हमारी हंसती खेलती फैमिली उजड़ गई। उसकी नताशा की डेथ के चौथे दिन पे उसकी मम्मी जब सुबह सुबह 5 बजे उठती हैं और जब अपनी बालकनी में देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं देख के कि उनके गार्डन में उसके दादाजी, नताशा के दादाजी उल्टे लेटे हुए रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि क्या हो गया है। फिर वो आवाज़ लगाते हैं वहाँ से पापा जी करके, फिर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो दौड़ के अपने हस्बैंड को बताती हैं और वो जब नीचे जाते हैं दौड़ के तो उन्होंने ये देखा रहता है कि उनके फादर की जो यहाँ पे गला है ना वहाँ पे पूरा नीला नीला निशान था। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हुई, पुलिस वगैरह को भी बुलाया गया लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया एक्चुअली कि कोई अपनी दुश्मनी निभा रहा है या क्या हो रहा है। उनके घर में 4 दिन में 3 मौतें हो चुकी थी। अब 5वां दिन आया ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा सबको अजीब सा लगने लगा। तो जैसे तैसे उन लोगों ने 6 दिन काटे, नताशा की डेथ के बाद 6 दिन उस घर में काटे। पर उसके जो छोटा भाई था और उसकी मम्मी है वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस घर से चले जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि इस घर में हमको जब हम रह रहे हैं तो बहुत खतरा है। एक बात नोटिस करने की ये भी थी कि घर छोड़ने का ख्याल सिर्फ़ और सिर्फ उसके भाई को सबसे पहले आया, उसके बाद उसकी मम्मी को आया। और उसके पापा इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर तुम लोगों को यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है तुम लोग चले जाओ लेकिन मैं यहीं रहूँगा क्योंकि इस घर में मेरे भाई की, मेरे पापा की और मेरी बेटी की यादें हैं तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वो सोच रहे थे कि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो कैसे भी करके उसकी नताशा की मम्मी ने उनके पापा को कन्विंस कर लिया यहाँ से जाने का। तो जैसे ही वो रेलवे स्टेशन में जा रहे थे थोड़ी ही देर बाद नताशा के पापा गायब हो गए। अब उसकी मम्मी और उसके भाई को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई कि कहाँ चले गए होंगे। मम्मी ने जल्दी से बोला कि ढूंढो पापा कहाँ गए हैं। तो पापा को ढूंढ रहे थे नताशा के, उतने में ही नताशा के भाई को
आगे चल के बहुत ही ज़्यादा बड़ी भीड़ थी, तो वो बहुत परेशान हो गया। वो दौड़ के गया वहाँ पे, तो उसे पता चला कि कोई व्यक्ति ट्रेन के सामने कट के मर गया। अब वो व्यक्ति जब वो आगे जाके देखा तो वो उसके पापा थे, क्योंकि अब उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग बचे थे। ऐसा कैसे हो गया? उसके पापा को वो जगह छोड़ के नहीं जानी थी, बट फिर भी वो गए और ऐसा हुआ। क्या उसके पापा को सदमा लग गया था, या फिर से किसी ने कुछ ऐसी साजिश रची थी, या फिर नताशा की आत्मा ने उनको मारा था, क्या हो सकता है? खैर, उसके बाद 4th-5th दिन में इतना कुछ कुछ होने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर गए थे उनके फैमिली, और सबसे ज़्यादा डरा हुआ था नताशा का भाई, क्योंकि सच उसी को पता था। फिर वो लोग वहाँ से चले गए, और फिर नताशा की डेथ को 10 दिन हो गए थे, और 10 दिन के अंदर उनके घर के 4 सदस्य की भी मौत हो गई थी। उसका भाई था, उसको बहुत ही ज़्यादा सपने आने लगे, अजीब से सपने आने लगे। फिर उसके पापा का और उसके दादाजी का कुछ क्रियाक्रम था जो कि बचा हुआ था, तो वो अपने घर गए वापस, उसी घर में रिचुअल्स पूरा करने। उसी घर में नताशा का फ़ोन भी था, और जैसे ही उसके भाई ने उसका फ़ोन देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा नेगेटिविटी सी फील हुई। वो समझ गया कि हो सकता है कि इस फ़ोन में ही कुछ गड़बड़ी हो। वो तुरंत फ़ोन उठाया और जाके बहुत ही अपने घर से दूर कहीं फ़ोन फेंक के आ गया। लेकिन जैसे ही वो लौट रहा था, वैसे ही उसका एक्सीडेंट हो गया, और ये तो माइनर सा एक्सीडेंट था, तो वो बच गया, कुछ चोटें ही आई। उसके बाद वो ज़रूर समझ गया कि हो ना हो ये उस फ़ोन और नताशा से जुड़ी ही कुछ चीज़ें हैं, इसी की वजह से सबकी साथ ये सब कुछ हो गया। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, तो वो वैसे ही घर आया, तो फिर वो बोला कि मम्मी आप जैसे भी तैसे करके हमको आज निकलना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, वैसे भी बहुत उनके साथ कुछ गलत हो चुका था, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको कुछ शर्म नहीं है क्या? अभी पूरे रीति रिवाज बचे हुए हैं और तुम ऐसा कह रहे हो। तो उसने कहा नहीं मम्मी, कुछ ना कुछ तो गलत है इस घर में। तो ये सब बोल के जैसे ही कुछ होना था, तो वो सब करके वो वापस गए पंडित जी के पास सीधा, और उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में दोष है, और जो कि आत्मा जो भटक रही है वो है तुम्हारी बड़ी बेटी की, नताशा की। ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा डर चुका था उसका भाई, और उसने सोचा कि क्यों ना सच बताया जाए। तो उसने पंडित जी और उसकी मम्मी के सामने सच बताया कि नताशा ने जो ये कदम उठाया वो कैसे उठाया, सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल की एडिक्शन नहीं थी दोस्तों। बात ये थी कि नताशा किसी लड़के से शादी करना चाहती थी, वो पसंद करती थी, बेसिकली उसका बॉयफ्रेंड था, और ये बात उसके ताऊ जी को पता चल गई थी। तो ये ताऊ जी ने पहले उसके दादाजी को बताई, और उसके दादाजी ने उसके पापा को बताई, और पापा से ये सब मतलब कॉन्वर्जेशन हो रही थी, तो उसके छोटे भाई ने भी सुन ली। तो अब इन चारों को ये बात पता थी, लेकिन नताशा के पापा को कोई भी आपत्ति नहीं थी इन सब चीज़ों पे। वो एक्सेप्ट कर लिए थे कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे। लेकिन उसके बड़े पापा और उसके दादा और उसके भाई को कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आपत्ति थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनका ये मानना था कि हमारे घर की बेइज्जती होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेटेड फैमिली है, और लोग सोचते हैं कि इन सब चीज़ों से उनकी बेइज्जती हो जाएगी, ये वो फला ढिकाला, क्या बोलेंगे लोग। बट उसके ताऊ जी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्ट इंसान थे, तो उनका ये मानना था कि ये सब बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। तो इसलिए उन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि उनको ऐसा शो करेंगे उसके पापा को कि वो ज़्यादा एडिक्टेड हो गई है, और इससे बहुत ही ज़्यादा उसको नुकसान हो सकता है। तो उसके पापा को इसलिए भड़काया गया कि उसका फ़ोन छीन लो, और जैसे उसका फ़ोन छीना गया तो उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि उस लड़के को हम मार डालेंगे। यही बात उसकी बहन ने सुन ली, और वो जाके तुरंत नताशा को बता दी कि ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तुम उसको वार्न कर दो कि वो घर से ना निकले करके। लेकिन उसी टाइम पे उसके पापा ने उससे फ़ोन छीन लिया था, और 2 दिन तक उसको फ़ोन भी नहीं दिया गया था। तो उसको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसे ये लग रहा था कि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि उस लड़के को अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया था।
खैर ये सब उसके दिमाग में इतना ज़्यादा भर गया था और इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि उसने खुद से आत्महत्या कर ली। वो इस गिल्ट पे थी कि उसने अपने घर की बेइज्जती करवा ली है, ऐसा वैसा है, और तो और उसने उसकी वजह से उसके पापा इतना ज़्यादा परेशान होंगे, और उस लड़के का क्या होगा, उसके लड़के की फैमिली का क्या होगा, उसने मेरी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, ये सब उसने सोच लिया था और जाके उसने सुसाइड कर ली। उसके बाद उसकी आत्मा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बदले की आग में तड़प रही थी, इसलिए उसने अपने ताऊ जी और अपने दादाजी को मारा। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि उसने अपने पापा को नहीं मारा, उसके पापा ने खुद से सुसाइड की इस गम में कि मेरी बेटी चली गई है मेरी वजह से, और मेरे भाई और मेरे पापा भी चले गए हैं, तो हमारी घर मतलब पूरा उजड़ गया है। और इस गिल्ट में थे वो सबसे ज़्यादा कि अगर वो फ़ोन नहीं लेते अपनी बेटी से तो वो आज ज़िंदा होती। तो उसके बाद इसी वजह से उन्होंने ट्रेन के सामने कूद के अपनी आत्महत्या कर ली। ये बात जब उसकी मम्मी को पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और शॉक हो गई थी कि उन्हें इस चीज़ की कानो कान खबर नहीं चली। अगर उन्हें ये सब पता होता तो हो सकता था कि उनकी फैमिली अभी ज़िंदा होती। खैर उसके भाई ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की और बहुत ही ज़्यादा उसको दुख हुआ कि मैं गलत था। उसके बाद पंडित जी ने जितना भी क्रियाकर्म था सब कुछ किया, तो पंडित जी ने बताया कि आप वो घर छोड़ दो और उधर पे मत जाना, नहीं तो उसके भाई को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और तभी मिलेगी जब वो अपने भाई को मार देगी, क्योंकि वो अपने भाई से भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। तो आज भी उनका घर खाली है और जितने भी वो आते थे वहाँ पर किराएदार रहने तो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक पाते थे, और जो उनके पड़ोसी हैं वो आज भी बताते हैं कि वहाँ पर नताशा की प्रेजेंस फील होती है, और वो घर अब खाली हो चुका है और खंडर भी हो चुका है। मैंने उससे बोला कि हो सकता है अगर तुम्हारे पास फ़ोटोज़ हो तो ज़रूर भेज देना, तो लेकिन वो फ़ोटोज़ नहीं भेज पाई क्योंकि वो वहाँ साइड जाती नहीं है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जाने दो। खैर यही थी ये स्टोरी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसकी गलती थी, नताशा क्या गलत थी या उसने सही कदम उठाया? और ये भी बात है कि जैसे ही पता चला उस लड़के को नताशा के बारे में कि नताशा ने सुसाइड कर लिया है, फिर उसके बाद उसकी बहन से जब उसने पता किया तो उसकी बहन ने उसको सब कुछ सच बता दिया, तो उसके नताशा की डेथ के दूसरे ही दिन सुबह उसके बॉयफ्रेंड ने भी फांसी लगा के मर गया, वो भी फांसी सुसाइड कर लिया बेसिकली। तो ये था पूरा स्टोरी, और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी अगर कोई आपके पास स्टोरी है तो आप प्लीज़ मुझे भेज दीजिए। मुझे ये हॉरर स्टोरी से ज़्यादा मुझे इमोशनल स्टोरी लगी, तो ये कहानी थी रिया की। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई अच्छी अच्छी कहानी है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए या फिर ईमेल का यहाँ पे, और लिंक भी मैं जोड़ दूँगी, बता सकते हैं पूरी कहानी क्या है। और सच्ची बताइएगा, फालतू वालतू मत बोलिएगा, मेरे को बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं तो बेफिजूल के कहानियाँ रहती हैं, बट स्टिल थोड़ी सी अगर आपको लगे जेन्युइन है तो तभी भेजिएगा। मिलते हैं अगले ही कुछ ऐसे हॉरर वीडियो में या कुछ ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।